दर्शकों को बता दें, सलमान खुर्शीद के घर पर तोड़फोड़ हुई है। नैनीताल से खबर आपको बता रहे हैं, सलमान खुर्शीद के घर में आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है। आपको बता दें, सनराइज ओवर अयोध्या एक बुक इन्होंने लिखी थी, जिसमें हिंदुत्व को लेकर एक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद काफी लोगों में नाराजगी थी, गुस्सा था। अब सलमान खुर्शीद निशाना साध रहे हैं, क्या यही हिंदुत्व है? हमले पर शशि थरूर ने भी ट्वीट किया है, राजनीति में असहिष्णुता बढ़ रही है, ऐसा कहना है शशि थरूर का। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद के घर में आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सलमान खुर्शीद ने खुद फेसबुक पर ये तस्वीरें पोस्ट की हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से घर में आग लगी हुई है, घर में तोड़फोड़ की गई है। जो किताब उन्होंने लिखी थी उसको लेकर ये बवाल हो रहा है, बजरंग दल के नेताओं पर ये तोड़फोड़ का आरोप लग रहा है। जैसा कि जानकारी मिल पा रही है, बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उन पर यह आरोप है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं सलमान खुर्शीद। अभी हाल ही में उन्होंने किताब लिखी थी सनराइज ओवर अयोध्या, जिसमें हिंदुत्व को लेकर उन्होंने एक टिप्पणी की थी। हिंदुत्व की तुलना उन्होंने आईएस इस्लामिक स्टेट से की थी और बोको हराम जो जिहादी संगठन है उससे की थी, लेकिन बाद में उसको डिफेंड करते हुए उन्होंने कहा था कि पूरी किताब सबने नहीं पढ़ी है, मेरा आशय ये नहीं है, मैं यूनिटी की बात करता हूँ, एकता की बात करता हूँ, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे की बात करता हूँ, ऐसा उन्होंने अपने बचाव में कहा था। लेकिन अब जो खबर आ रही इस वक्त, बड़ी खबर उत्तराखंड से, नैनीताल में उनका घर है जहां पर तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है, और आरोप जो लग रहे हैं वो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लग रहे हैं। इस मामले पर जो डीजीआई कुमाऊं है नीलेश आनंद, उनका कहना है राकेश कपिल और 20 अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और इसी खबर पर नैनीताल से हमारे संवाददाता कामता कांत जुड़ गए। कामता, सलमान खुर्शीद के घर पर तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई है, क्या अपडेट है, कौन है ये लोग? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नैनीताल से लगभग 45 किलोमीटर दूर रामगढ़ क्षेत्र में सलमान खुर्शीद का यहाँ पे बंगला है। यहाँ पे आज कुछ लोगों ने लेकर, बजरंग दल के लोग ये बताए जा रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे पुतला फूंका, जिसके बाद ये यहाँ पे आक्रोशित हो गए और उन्होंने सलमान खुर्शीद का जो यहाँ बंगला था उस पर तोड़फोड़ की और यहाँ पे आग लगा दी। उनका कहना था कि सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व को लेकर जो टिप्पणी की है उससे वो बेहद यहाँ पे नाराज है। हालांकि पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच गया है और आग लगाने वालों के को यहाँ पे ढूंढा जा रहा है कि किन लोगों ने यहाँ पे आग लगाई है और उन लोगों की धरपकड़ की है। यहाँ पे पुलिस टीमें गठित कर दी गई है। जी कामताकांत, कितना नुकसान पहुंचा है? जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं, घर के अंदर तक आग पहुंच चुकी है, क्या आग को बुझा लिया गया है, आग पर काबू पा लिया गया है, या फिर काफी नुकसान होने की भी खबर है? आपको बता दूं कि जो यहाँ पे बजरंग दल के कुछ लोग जो बताए जा रहे थे वो पुतला फूंक रहे थे, उसके बाद इन्होंने जो मकान के अंदर है वो आग यहाँ पे डाल दी, जिसको लेकर यहाँ पे जो शीशे दरवाजे थे वो इन्होंने यहाँ पे तोड़ फोड़ दिए हैं। मकान को भी यहाँ पे जो सामान रखा हुआ था वो हालांकि जलने से बच गया, क्योंकि वहाँ के जो केयर टेकर था उन्होंने तुरंत यहाँ पे जो अपने स्थानीय लोग थे उनको सूचना दी, पुलिस को सूचना दी और स्थानीय लोगों की मदद से आग को यहाँ पे पूरी तरह से बुझा लिया गया है। हालांकि नुकसान का जहां तक बात की जाए तो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है वो नुकसान हुआ है। जी कामता, अगर बात करें इस घर में केयर टेकर के अलावा क्या उनका परिवार का कोई सदस्य भी रहता है? केयर टेकर जो है यहाँ उनके परिवार के सदस्य और उनकी पत्नी
और उनके यहाँ पे बच्चे यहाँ पे रहते थे, जब ये आक्रोशित हो चुके थे तो यहाँ पे जो लोग आए हुए थे वो इतने आक्रोशित थे कि केयर टेकर को यहाँ पे अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ गया था, जिसके बाद फिर इन्होंने इस तरह की घटना को यहाँ पे अंजाम दिया। और आग जो लगाई गई है और तोड़फोड़ जो की गई है, इसको लेकर केयर टेकर का कहना है कि वो अपनी जान बचाकर भागे। जब ये लोग यहाँ से चले गए तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पे जो आग बुझाने का प्रयास किया और स्थानीय लोगों को आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच सलमान खुर्शीद क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुना देते हैं। दरवाजे बंद करने से, दरवाजे जलाने से हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा जो हम चाहते हैं। किसी को आपत्ति है मेरी किसी बात से, मुझे भी आपत्ति हो सकती है, लेकिन आपत्ति दर्ज कराने के तरीके हैं, संवाद के तरीके हैं, बातचीत करने के तरीके हैं। अगर मुझसे कोई बात करेगा तो ये संभव है कि मैं अपना मत परिवर्तित कर दूं। मैं किसी से बात करूंगा तो ये संभव है कि वो अपनी बात को और अपनी अपने अपने विचार को परिवर्तित कर दें, लेकिन बात जहां नहीं होगी वहां हम कैसे, ये मेरा प्रश्न है। सर क्या लगता है आपको, बीजेपी के लोग थे जिन्होंने किए, क्योंकि झंडे उनके हाथ में, जिसके थे, कांग्रेस के नहीं थे ना, कांग्रेस के तो नहीं थे, कांग्रेस के किसी नेता के भी नहीं थे, जो आप लोग कह देते हैं कि कांग्रेस में खमासान है, कांग्रेस में डिबेट है, तो कांग्रेस के किसी नेता के नहीं थे। तो आखिर कांग्रेस के किसी नेता के नहीं थे तो किसी और ही दल के होंगे। जिस जिस के नहीं थे वो कह दे हमारे नहीं थे, यही तो हम चाह रहे हैं। मैंने कहा क्या था, मैंने ये कहा था जो हिंदू धर्म में नहीं है उसको कह दो ये हमारा नहीं है, उसके लिए कह दो ये हमारा नहीं है, इतना ही तो मैंने कहा था। क्योंकि मैं कहता हूं कि बोको हराम मेरे ईमान का नहीं है, आइसिस मेरे ईमान का नहीं है, वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, मैं ये कहता हूं, तुम भी कह दो, हिम्मत करो ना। लेकिन हर चीज पर गिनती करेंगे वोटों की, हर चीज पे ये तय करेंगे कि हम बढ़ेंगे कि ये बढ़ेंगे, अगर शांति हो जाएगी तो क्या होगा, इससे देश का भला नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं तुम्हारे नहीं है तो कह दो ये हमारे नहीं है। सर क्या लगता है आपका संदेश नहीं पहुंच पाया, आपने तो बड़े अच्छे आप कह रहे हैं। भाई मेरे संदेश पहुंचेगा जब आप पहुंचाओगे, जब आप ही के बहुत सारे साथियों ने स्वयं ये कह दिया कि आप कह रहे हो वो गलत है, कैसे कह रहे हो आप ये, तो फिर संदेश कैसे पहुंचेगा। हर एक को तो किताब मिलेगी नहीं, हर एक किताब पढ़ेगा नहीं, हर एक समझेगा नहीं किताब, तो मुझे तो 1000 साल लग जाएंगे संदेश पहुंचाने में। और फिर अगर आप उस संदेश से सहमत हो या नहीं हो, लेकिन वो संदेश जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए इसका निर्णय आप करो, आप लोग मीडिया में हो। तो जब मीडिया के लोग कहते हैं कि आप गलत कह रहे हो, तो फिर दूसरा आदमी क्यों नहीं कहेगा कि गलत कह रहे हो, क्यों नहीं कहेगा कि आप गलत कह रहे हो। मीडिया के लोग मुझसे ये कहते हैं कि आपकी पार्टी ने आपसे अलग किनारा कर लिया, मीडिया के लोग मुझसे ये कहते हैं, तो मैं क्या कहूं कि मेरी पार्टी ने किनारा कर लिया, जब मेरी पार्टी खुलकर, मेरा नेतृत्व खुलकर वही बात कह रहा है जो मैंने कही है। और मुझे गर्व है अपने नेतृत्व के कि आज के हालात में वो ये गिनती नहीं कर रहे हैं कि किस चीज में फायदा है, किस में नफा है, किस में नुकसान है, वो खुलकर वो बात कह रहे हैं जिसको हर अच्छे चरित्र का व्यक्ति, जो देशभक्त है, जिसको कहनी चाहिए, जो महात्मा गांधी के रास्ते में मानता है, जिस रास्ते को स्वीकार करता है, उसको कहनी चाहिए, वो आज मेरा नेतृत्व कह रहा है। तो इसलिए मुझे गर्व है उस नेतृत्व पे। लेकिन आप नेतृत्व को भी बुरा कह देते हैं, फिर ये कह देते हैं कि आपके यहां तो नेता है जो आपका विरोध कर रहे हैं, तो कौन है नेता जो मेरा विरोध कर रहा है, कौन नेता विरोध करेगा और कैसे करेगा, जब मेरा जो मेरा उच्च नेतृत्व है उसने जब ये कह दिया है कि जो बात मैंने कही वही बात सही है। तो नहीं होंगे आज क्या लग रहा है कि ऐसा हूं, नहीं हूं ना, मैं तो जानता हूं। और इसने तो साबित कर दिया है उस बात को जो मैंने कहा था, फिर कह रहा हूं, हिंदू धर्म ये नहीं है। हिंदू धर्म पर मुझे पूरा गर्व है, हिंदू धर्म पर मेरा धर्म नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों का, मेरे साथियों का, मेरे मित्रों का धर्म है, मेरे देश का धर्म है, इसलिए मैं उसका सम्मान करता हूं, इसलिए उसको एक बहुत बड़ा धर्म मानता हूं। ये मैंने कहा ना, और अगर मैंने ये कहा और जो लोग धर्म का विरोध करते हैं, धर्म का दुरुपयोग करते हैं, और वो कहते हैं नहीं आप गलत कह रहे हो, हम ऐसा नहीं करते, उन्होंने आज दिखा दिया कि ऐसा ही करते हैं, आज दिखा दिया, तो मेरी बात तो साबित होगी ना। सर लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वन क्वेश्चन वन आंसर इन इंग्लिश सर। How do you see your house in Nainital has been vandalized?
I said in my post, my door is open, come and talk to me. I said it here when they came outside this building. I said, please come here and talk to me. The police were worried that this should not happen. I've said it everywhere, my door is open. Why do you need to come and leave your signature on my door with fire? Why? Come and talk to me. Let's have a cup of tea together. Maybe I will change, maybe you will change. But conversation and dialogue is the basis of our life together. Neither you will go anywhere now, nor I will go anywhere. We have to live it.